अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में हम लोग आए हुए हैं टैंगमोंड, जो कि मैं लास्ट टाइम पे एक ब्लॉग अपलोड करा था नेकलिस रोड का। वहाँ से जो अटैच होकर जो रोड आ रही है वो सीधा टैंगमोंड को आ रही है। तो मैंने कहा था कि एक टैंगमोंड का ब्लॉग बनाकर आप लोगों के लिए डालता हूँ, तो इसलिए मैं आया हूँ आज टैंगमोंड। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर देखने के लिए क्या क्या व्यू है और इन्जॉय करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए बढ़ते आगे। आप जैसा कि देख सकते हैं इधर साइड से जो है रोड है और इधर साइड है फुटपाथ, तो यहाँ पर ही लोग आते टाइम स्पेंड करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, रात में दिन में हर टाइम यहाँ पे खुला रहता है सब। लाइक रात के टाइम जो है रेस्टोरेंट और पार्क बंद रहते हैं। तो क्या है, कपल्स फैमिली वाले लोग हर कोई यहाँ पर आ सकते हैं रात के टाइम पे। और कुछ फ्रेंड्स क्या है बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए भी यहाँ पे आते हैं। तो अच्छा है, यहाँ पर आ सकते हैं आप भी टाइम स्पेंड करने के लिए। और हैदराबाद में बहुत सारे चीज़ें क्या है बन रहते हैं रात के टाइम, बहुत गिने चुने चीज़ें जो है जो कि खुले रहते हैं, जैसे कि नेकलिस रोड है और ये टैंगमोंड है। तो यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए आप आ सकते हैं। और यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये जो है इसे गौतम बुद्ध कहते हैं। यहाँ पर भी लुम्बिनी पार्क है। दिन के टाइम अगर यहाँ पे आए तो आप शिप के जरिए किश्ती के जरिए यहाँ से जा सकते हैं आप। वहाँ पर भी पार्क है, बहुत अच्छा है वहाँ पे भी। नेक्स्ट टाइम अगर मैं यहाँ पे आया तो वहाँ पर भी जाकर आप लोग को बताऊँगा लुम्बिनी पार्क भी आप लोग को। और ये तो लास्ट टाइम पर जो ब्लॉग बना उसमें मैं आप लोगों को बताया ये सेक्रेटरी ऑफिस, जो ये प्रसाद मॉल की साइड आता है। ये आज इसलिए नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कहीं क्यों बोले तो मैं रात के टाइम पे आया यहाँ पे। अगर दिन के टाइम आए ना यहाँ पे बेहतरीन फोटो शूट कर सकते, बेहतरीन वीडियोस बना सकते, जो कि इंस्टाग्राम के रील्स हैं वो भी आप बना सकते हैं यहाँ पे। स्लो मो भी बहुत प्यारा आता है यहाँ पे, जो टाइल्स हैं नए नए बिछा यहाँ पे और जो लैंपा हैं ये वजह से क्या है थोड़ा अच्छा दिख रहा। और ये रोड के इनसाइड जो है ना बहुत प्यारा नेचर है, यहाँ पे झाड़ा है हरियाली है, वहाँ पर भी एक पार्क वाला फील मिल जाता आप लोगों को आके। लेकिन क्या है रात में आने की वजह से क्या है उधर से पूरा अंधेरा है, वहाँ पे लैंपा नहीं लगाई भी गवर्नमेंट। इंशाल्लाह कभी दिन के टाइम अगर मैं वहाँ पे आ गया यहाँ पे आया तो आप लोगों को बताता हूँ वहाँ का भी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लैंपा वैम्पा मार के करके रोड की गवर्नमेंट अच्छे तरीके से चमका दी, वो वजह से क्या है रोड भी अच्छी दिख रही और फुटपाथ भी अच्छा दिख रहा। और ये तालाब देखो आप लोग, तालाब कम नाला ज़्यादा है। यहाँ पर देखो मीटिंग चल रही है तो सब लोग ऐसे ही आते हैं यहाँ पे। आगे तक तो आ गए लेकिन उतना कुछ खास नहीं है यहाँ पे देखने के लिए, बस पब्लिक है फुटपाथ है। और आए बोलो तो यहाँ पे आते की क्षमा को मिले थोड़े से फ्रेंड्स यहाँ पे, भैया आए बोलो। अरे आपका नाम? शेख खाजा। मेरा नाम शेख खाजा। भाई को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब करो भाई, कमेंट्स करो, आगे बढ़ो भाई को अपने हैदराबाद के भाई। और भैया अलहमदिल्ला। और भाई कैसा फील कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे आके? ऐसा फ्रेंड सर्कल रहा तो क्या है ब्लॉग बनाने में फिरने करने में क्या है अच्छा जरा मजा आता, थोड़ा एंजॉयमेंट होता। और भैया कहाँ पे की तैयारी, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? राउंड मारने हैं, एमबी राउंड मारने हैं, तो सोचे कि ब्लॉग बना ले भाई। क्या फैंस है, शुक्रिया। हमारे चाहने वाले कुछ रैंडम लोग जो कि दो मिनट में फ्री हो गए मेरे से मिलते ही। तो इंशाल्लाह फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिए। भाई कुछ बोलना है? भाई मैं कह रहा हूँ बढ़िया भाई, बढ़िया कर रहा है, बढ़िया। थैंक थैंक्स ब्रो। ब्लॉग शेख खाजा सही है भाई, जो भी कर रहा है भाई सही चल रहा है भाई, बंदे का मस्त कर रहा है, मेरे को मजा आ रहा है देख के। थैंक यू ब्रो। एंड यू ऑल द बेस्ट मैन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक ब्रो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग एंड करने जा रहा था, ये लोग आ गए सामने। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और अच्छा बताने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को। जब तक बने रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बोलिए कि ब्लॉग कैसा दिखा आप लोग को। चलिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।